Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn about the simple tricks of the drugs classification for the bronchial asthma. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स क्लासिफिकेशन फॉर द ब्रोंकियल एस्मा विथ सिंपल निमोनिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इस क्लासिफिकेशन को, यानी जो ड्रग्स क्लासिफिकेशन है ब्रोंकियल एस्मा के लिए, तो इसके क्लासिफिकेशन को एक हम शॉर्ट स्टोरी की तरह याद करेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और ये स्टोरी जब माइंड में बैठ जाएगा तो इसके ड्रग्स को हम आसानी से लिख पाएंगे. सो जो स्टोरी मैं अभी बताने जा रही, तो उसे बस आप अपने माइंड में बैठाए रखना, फिर इस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को लिखने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा. स्टोरी इज, एक लड़का है ल्यूमा कॉटी, जिसे सब ब्रो बोलते हैं. तो जो ब्रो ल्यूमा कॉटी है, उसे एंटी एजिंग क्रीम लगाना बहुत पसंद है. और ल्यूमा कॉटी जो है वो MBA करता है, और जब अपने कॉलेज में जाता है उस क्रीम को लगा के, तो उसे बहुत मज़ा आता है. तो जब उसे मज़ा आता है तो वो क्या करता है, उसका एक फ्रेंड है कीटो, उसके साथ वो सोडा पीता है, यानी सोडा पीकर अपने खुशी का इजहार करता है. ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी, या आप इसे ट्रिक्स भी कह सकते हैं. अब हम इससे ये देखेंगे कि इस ट्रिक से हम इस ड्रग के क्लासिफिकेशन को कैसे याद कर सकते हैं. सो हियर, ब्रो स्टैंड्स फॉर द ब्रोंकोडायलेटर्स एंड द ल्यूमा को जब हम एक्सपेंड करते हैं, देन ल्यू स्टैंड्स फॉर द ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट एंड द मा स्टैंड्स फॉर द मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स. कॉर्टिको स्टैंड्स फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द एंटी एजिंग क्रीम स्टैंड्स फॉर द एंटी IgE एंटीबॉडी. जो लास्ट में क्रीम लगाना पसंद है, उसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमने इसे एड ऑन किया है. So the drugs classification for the bronchial asthma is classified into 5 categories: bronchodilators, leukotriene antagonist, mast cell stabilizers, corticosteroids and the anti-IgE antibody. अब हम एक एक क्लास की बात करेंगे. So first class is bronchodilators. तो bronchodilators means जो ब्रो है उसने MBA कर रखा है. तो यहाँ पे MBA को हम मानेंगे कि M फॉर द मम्मी, B फॉर द बुआ एंड A फॉर द आंटी. यानी जो ब्रो है उसकी मम्मी, बुआ एंड आंटी. तो इसे किस ट्रिक से याद करेंगे, चलिए देखते हैं. तो M फॉर मम्मी, यानी जो ब्रो की मम्मी है उन्हें फिल्मी दुनिया में रहना बहुत पसंद है. यानी कि ये जो सब क्लास है ब्रोंकोडायलेटर का, इसमें जो भी ड्रग्स आएंगे उसके लास्ट में फाइलिन होगा, लाइक थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलीन थियोफाइलिन, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन. नाउ सेकेंड वन इज़ बुआ, यानी जो ब्रो की बुआ हैं, मीन्स बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक्स. वो जो है BSF में है, मीन्स कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है. तो ये एक ट्रिक है, मीन्स कि BSF. तो B स्टैंड्स फॉर बैम्बोट्यूरॉल, S stands for salmeterol and the F stands for formoterol. Third subclass of bronchodilators is anticholinergics, means ki bro ki auntie, A for auntie. तो जो इसकी आंटी है वो IT sector से हैं. So I stands for ipratropium bromide and the T stands for tiotropium bromide. ये हो गया ब्रोंकोडायलेटर्स के सब क्लासेस. अब हम बात करेंगे सेकेंड वन, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट की. तो इसकी ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, तो जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, ब्रो ल्यूमा कॉटी. तो ब्रो तो हो गया ब्रोंकोडायलेटर्स एंड उनके सब क्लासेस को भी हमने देख लिया. तो सेकेंड वन इज़ ल्यूमा. तो ल्यूमा को हम एक्सपेंड करेंगे ल्यू प्लस मा. तो ल्यू मीन्स ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट. और हमने स्टोरी में देखा था कि जब ल्यूमा एंटी एजिंग क्रीम लगाकर जाता था कॉलेज, तो उसे बहुत मज़ा आता था. तो यानी ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट मीन्स इसके अंदर आएगा मज़ा, MZA. तो M स्टैंड्स फॉर द मॉन्टिल्यूकास्ट एंड द Z स्टैंड्स फॉर द ज़फ़ीर लूकास्ट.
एंड जब हमने ल्यूमा को एक्सपेंड किया है ल्यू प्लस माँ, तो ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट हो गया, बचा क्या माँ, तो माँ स्टैंड्स फॉर द मास सेल स्टेबलाइजर। तो इसमें हमने ये भी स्टोरी में देखा था कि जब इसे मज़ा आता है तो ये क्या करता है, अपने कीटो फ्रेंड के साथ सोडा पीता है। मीन्स कि मास सेल स्टेबलाइजर में जो ड्रग्स आएंगे वो होंगे कीटोटीफेन एंड द सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट क्लास इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इसे किस ट्रिक से याद रखेंगे, ल्यूमा कॉर्टी यानी ल्यूमा उसका नाम और कॉर्टी उसका टाइटल। तो जो ल्यूमा है उसे अपना टाइटल पसंद नहीं आता है, वो सोचता है यार क्यों ना मैं अपना टाइटल जो है कॉर्टी से सिन्हा करा लूँ। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो दो सब क्लासेस में डिवाइड है, सिस्टेमिक एंड द इन्हेलेशनल। तो सिन्हा से एक तरफ एस और एक तरफ इन्हा, ठीक, तो इससे हम याद कर लेंगे। तो सिस्टेमिक में जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड द अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन्हेलेशनल में जो ड्रग्स आते हैं डैट इज़ बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपोनिएट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपोनिएट, फ्लूनिसोलाइड एंड द सिक्लेसोनाइड। अब जो लास्ट क्लास है वो है एंटी IgE एंटीबॉडी, जिसे हम एंटी एजिंग क्रीम से याद रखेंगे। तो इसमें बस एक ही ड्रग आता है डैट इज़ ओमेलिजुमैब। सो दिस इज़ द ड्रग क्लासिफिकेशन फॉर द ब्रोंकियल एजमा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।